जब इमरान खान साहब ही डरे हुए हैं, जब उनके वजीर ही डरे हुए हैं, तो पुलिस ने मुल्क कहाँ चलाना है? हमें ये बड़ा शौक है और हमें भारत एक कन्वीनियंट एक वो जिसे कहते हैं ना, फटाफट जो भी करना हो भारत पे डाल दो, अफगानिस्तान पे डाल दो, अमेरिका पे डाल दो, यूरोप पे डाल दो, बाइडेन पे डाल दो, इसराइल पे डाल दो। आजकल हमने जरा इसराइल को कम किया हुआ है और बाकी भी ममालिक को कम किया हुआ है। आजकल सिर्फ हमने जो है ना, पहले एनडीएस भी था, अब सिर्फ इंडिया रह गया। द पॉइंट जो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता भी हूं, मैं अभी देख रहा था कि पाकिस्तान के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, शुक्र है, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं गलत बातें कर रहा हूं, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी वही बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें भारत से कोई खतरा नहीं है, नो पोटेंशियल थ्रेट फ्रॉम इंडिया, हमें अमेरिका से कोई खतरा नहीं है, हमें सबसे बड़ा खतरा हमारे अंदर है, हम खुद खतरा है एक दूसरे के लिए। आज चाइनीज हमसे नाराज बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ आपके साथ कारोबार करना चाहते हैं लेकिन आपकी कैपेसिटी नहीं है। और वो जिसे कहते हैं ना कि इंतहा पसंदी, वो है सबसे बड़ा एक्सट्रीमिज्म, सबसे बड़ा खतरा है पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के वजूद को। ये जो इंतहा पसंद लोग हैं, ये सबसे बड़ा खतरा है। और अभी आपने टीएलपी के चीफ को रिहा कर दिया, जिससे थोड़े महीने पहले आप लोगों ने, हुकूमत पाकिस्तान ने ये नैरेटिव बनवाया मीडिया के ऊपर, ये दहशतगर्द है, ये दहशतगर्द जमात है, साउथ अफ्रीका, लंदन और पता नहीं कहां कहां से इंडिया के इनके अकाउंट्स चलते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स चलते हैं, इनको हम नहीं छोड़ेंगे और रियासत करेगी, प्रिवेल करेगी, रियासत की रिट प्रिवेल करेगी। आज पता चला है कि वो जो हाफिज साद रिजवी साहब हैं, उनको जनाब फोर्थ शेड्यूल से भी निकाल दिया गया, उनकी जमात को भी क्लियर कर दिया गया और उनको भी रिहा कर दिया गया। मेरे एक प्रोफेसर हैं, मैं पर्सनली तो उनसे नहीं पढ़ा, डॉक्टर मोनिस अहमद साहब, मैं उनकी एक वीडियो अगले दिन देख रहा था, उसका मैंने टाइटल ही देखा, तो वो उसमें शायद ये बातें हो रही थी कि शायद जो पंजाबी ग्रुप्स होते हैं पाकिस्तान के अंदर, जो सूबे हैं, जारी बात है, उनमें से जो पंजाबी इंतहा पसंद ग्रुप होते हैं या जो पंजाबी ग्रुप होते हैं, उनको रियासत छोड़ देती है, जबकि जो बाकी छोटे सूबों के जो ग्रुप्स होते हैं उनको रियासत मारती है। और जैसे टीएलपी पंजाब लाहौर से है, तो वो क्योंकि वो डडे हैं, वो मारते हैं आगे से, वो पुलिस मारते हैं, वो पुलिस को कत्ल कर देते हैं, वो सड़कें तोड़ देते हैं, वो गाड़ियां चला देते हैं, वो रियासत को यरगमाल बना लेते हैं। वो कहते हैं कि भाई आप हमें, हमारी जमात जिसको दहशतगर्द करार दिया, इसको दहशतगर्दी से बाहर निकालो। वो कहते हैं कि आप हमारा जो लीडर जिसके ऊपर 100 से ज्यादा हुकूमत ने मुकदमे किए हैं, उसको वहां से रिहा करो। तो जो पंजाबी लीडर होते हैं, जो पंजाबी जमातें होती हैं, उनको 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 माफ कर दिया जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है, जबकि हाँ अगर सरहद से, बलोचिस्तान से, सरहद से मुराद खैबर पख्तूनख्वा है, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान या सिंध से हो, तो उनको मारा जाता है, उनको मारती है रियासत। क्या ये तासुर ठीक है? क्या ये जो इंप्रेशन आ रहा है ठीक है? खैर मैं तो इस पर ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा, मेरा ख्याल है ये मैं सवाल छोड़ देता हूं देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए, समझने वालों के लिए, वो लोग जो आंख और कान और जुबान रखते हैं, ये उनके लिए सवाल छोड़ देता हूं कि क्या ये बात ठीक है कि अगर कोई ग्रुप पंजाब से उभरे तो उसको छोड़ दिया जाता है, अगर वो चैलेंज करे, वो पुलिस वालों को शहीद कर दे तो उसको माफ कर दिया जाता है, वो रियासत का निजाम धर्म बरम कर दे तो उसको माफ कर दिया जाता है? क्या ये सवाल ठीक है? अगर ठीक है तो इसका जवाब कौन देगा कि ऐसे ही है, और कौन हमें बताएगा कि इस तरह नहीं हो रहा? अगर ऐसे नहीं हो रहा तो मेरा नहीं ख्याल किसी के पास इस सवाल का जवाब है। और मुझे तो ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान की रियासत आज शर्मिंदा है, मजबूर, लाचार और बेबस रियासत है, जो ये एस्टैब्लिश ही नहीं कर सकती कि जिस जमात को हमने आज से 2-4-6 माह पहले कहा और बड़े जोर शोर से कहा कि ये दहशत गर्द है, 1 साल से हम लगे हुए हैं, आज हमें उनके लीडर को छोड़ना पड़ रहा है। और ये किस तरह हो रहा है? क्योंकि वो उन्होंने तो सारा पाकिस्तान चौक करके रख दिया, एक जीटी रोड चौक कर दिया उन्होंने। हम कहते हैं कि इंडिया हमें तबाह बर्बाद कर सकता है, अमेरिका तबाह बर्बाद कर सकता है, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में फलां फलां ये कर दिया। किसी ने जो करना है वो तो कर रहा है, लेकिन असल में तो हम अपने मुजरम खुद हैं, और अनफॉर्चुनेटली हम अपने चोर भी तलाश नहीं कर सकते। अगर आप चोर तलाश करेंगे तो आपको मार पड़ेगी। सो चोरों को भी नहीं पकड़ा जा सकता, रियासत भी डरपोक और कमजोर बनती जा रही है, हुकूमतों का भी कोई हाल नहीं है। तो जिन लोगों को हमने, अवाम को किसके हाल पे छोड़ा है, ये तो एक सवाल है ना। हमने, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने, अफवाज ने, पुलिस ने, अवाम ने जाने नहीं है दहशतगर्दी के खिलाफ, लेकिन इंतहा पसंदी को हम क्यों टैकल नहीं कर सकते? क्यों ये हमारे मुआशरे में नासूर बनता जा रहा है?
ये क्यों इंतहा पसंद उठते हैं और उठ के और हमें मारते हैं, और हम इनको ये भी नहीं कह सकते क्यों मारते हो, हमें इनके खिलाफ इनसे केसेस वापस लेने पड़ते हैं, इनको जेलों से निकालना पड़ता है, इनके ऊपर दिए हुए मुकदमे वापस करने हैं क्योंकि ये रियासत को गन पॉइंट में फोर्स करते हैं। आपने दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जहां पे ये किसी जमात को इस तरह दहशतगर्दी के अंदर जो जो फोर्थ शेड्यूल है एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 है उसमें डाला जाए और बाद में कहा जाए कि इनको छोड़ दें। ये वो बहुत सारे हमारे जो जो जानने वाले बच्चे होते हैं, जो लोग हमें व्यूअर्स कमेंट्स करते हैं, वो कहते हैं कि क्या बलूचिस्तान के लोगों को भी ऐसे छोड़ दिया जाएगा जब उनके साथ वो किसी पुलिस वाले को मारेंगे या उनको मार दिया जाएगा, और सिंध के साथ क्या होगा और केपी के साथ क्या होगा। रियासत है पाकिस्तान एक इंतहाई अंदर से कमजोर हो चुकी है, जिसको बाहर से कोई खतरा नहीं है, जिसको अंदर से खतरा है। जिस तरह इंडिया के वजीर आजम मनमोहन सिंह ने कहा था ना, द बिगेस्ट नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट इज विद इन, सेम इज द सिचुएशन इन पाकिस्तान, द बिगेस्ट नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट इज विद इन। हमें किसी ने क्या मार के करना है? इसमें तो हुकूमत $500 लेने वाले को कहती है बायोमेट्रिक दो। आज मैं किसी ताजर को मिल रहा था, बिजनेसमैन को मिल रहा था, तो वो कह रहा था हमारा तो कोई हाल नहीं है, हुकूमत ने तो हमें $500 लेने पे, अब तो लोग मार्केट में काम करने ही नहीं आते। वो कहते $500 लेंगे, बायोमेट्रिक कराएंगे, एक ई सहूलत नादरा को जाके बताएंगे, नादरा को जाके ₹200 फीस देंगे, और उस फीस के बाद जाके हुकूमत हमें $500 देगी, और वो फिर नोटिफिकेशन पता नहीं शायद होगा, और फिर उसके बाद आपको $500 मिलेंगे। ये इस तरह क्या रियासत चलेगी? इमरान खान साहब इस तरह चलाएंगे? ना इमरान खान साहब मानते हैं, ना इमरान खान साहब के फॉलोअर्स मानते हैं। रियासत तब चलती है जब रियासत के अंदर कंसेंसस पैदा किया जाता है। जब कंसेंसस तब पैदा किया जाता है जब आप अपनी पोजीशन से हटते हैं, जब आप स्टेट के लिए सोचते हैं, आप अपनी जातियात के लिए नहीं सोचते। जब स्टेट के लिए सोचा जाता है तो फिर पॉलिटिकल कंसेंसस बनाया जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज को साथ में लाया जाता है, सोल्यूशन ढूंढे जाते हैं, अपने ही पसंद नापसंद को पीछे छोड़ा जाता है। रियासत मुल्क के लिए सोचा जाता है, स्टेट के सोशल फैब्रिक के लिए सोचा जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी वो हाफिज साद साहब को छोड़ दिया गया है। अब तो देखिए ना, वो कहते थे फ्रेंच एम्बेसडर को बंद करो, आज भी हुकूमत पाकिस्तान डरी हुई है और फ्रेंच एम्बेसडर को पाकिस्तान में नहीं बुला सकती। आज भी इमरान खान साहब फ्रेंच सदर का फोन नहीं उठाते, इतने घबराए हुए हैं। अमरीका का सदर फोन करता नहीं है और फ्रेंच सदर जो है उनसे उनका फोन वो उठाते नहीं है। अगर याद हो जब अमरीका के जब फ्रांस के सदर इमरान खान साहब वजीर आजम बने थे तो उन्होंने फोन किया, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया उनको। सो द क्वेश्चन रिमेन्स कि टीएलपी जो है वो आज से हीरो है लेकिन कल शाम आज सुबह तक दहशतगर्द थी। ये किस तरफ हम, ये क्वेश्चन ये नहीं है कि ये क्या हो रहा है, क्वेश्चन ये है कि इन सारी ये जो रिडल्स है उनका जवाब कौन देगा। अब ये बताएं कि टीएलपी एक एक इन्होंने सियासी बहुत बड़ी जमात बना दी है जो गन पॉइंट पे फैसले करवाती है। जिस मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर बैठ के टीएलपी के लोगों का शुक्रिया अदा करे एक एक का और कहे कि आप बहुत अच्छे हैं, कि आपने थोड़ी देर पहले हमारे पुलिस वालों को मारा है, उन शहीदों पुलिसों को क्या कसूर है बेचारों का? क्योंकि वो पुलिस के लोग हैं, अगर वो फौज के होते तो पोजीशन और होती शायद, लेकिन क्योंकि वो बेचारी पुलिस है, सियासतदानों की डसी हुई है, सियासतदानों की डसी हुई पुलिस है ना, वो बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती। आप आरपीओ डीपीओ इन सब बेचारों को डराते धमकाते रहते हैं, तुम्हें हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उन्होंने मुल्क कैसे चलाना है? वो मुल्क नहीं चला सकते जब उनका बॉस ही डरा हुआ है, जब इमरान खान साहब ही डरे हुए हैं, जब उनके वजीर ही डरे हुए हैं, तो पुलिस ने मुल्क कहाँ चलाना है? वो लॉ एनफोर्समेंट कैसे चीजों को बेहतर कर सकती है? और टेस्ट केस रख दिया गया है कि यहां पे ये टेस्ट केस बना दिए गए हैं कि टीएलपी ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मफाद जो इज्जत और वकार का जो महाफज है वो सिर्फ टीएलपी है, बाकी सारे लोग पाकिस्तान में जैसे काफर है, उनको पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं, वो समझते ही तो कुछ है ही नहीं है। याद रखें जो लोग पुलिस को खड़े खड़े मार दें वो आम लोग नहीं है, दे वेरी सीरियस पीपल, दे वर सीरियस प्रॉब्लम टू एड्रेस, लेकिन रियासत उनका मसला एड्रेस नहीं करती।